को लेकर उपजे विवाद में मारपीट के दौरान घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक आशा भावराव फूलबांदी बताई गई। आरोपियों में गजानन डायरी शामिल है। पुलिस ने गजानन को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक आशा और उनके बीच घर की जगह को लेकर कुछ वर्षों से विवाद चल रहा था। गुरुवार 4 नवंबर की सुबह गजानन मजदूरों से अपने घर का छज्जा तुड़वा रहे थे। इस दौरान डायरे ने गाली गलौज शुरू कर दी। बात हाथापाई तक पहुंच गई। गजानन ने आशा फूलबांदे से धक्का मुक्की की, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। आशा को नागपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। शुक्रवार 5 नवंबर की मध्य रात्रि में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से संतप्त परिजन शनिवार की सुबह आशा का शव लेकर पार्श्वनी थाने पहुंचे। ये आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े थे। इस कारण तनाव व्याप्त हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी गजानन डायरे अवैध तरीके से शराब बेचता है। वह यह गोरख धंधा अपने घर से चलाता है। उसकी झगड़ालू प्रवृत्ति और मनमानी के चलते फूलबांदे परिवार ने उसके खिलाफ 4 बार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीते 23 और 25 अक्टूबर को भी डायरे के खिलाफ थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। नागरिकों में चर्चा थी कि समय रहते उचित कार्रवाई की जाती तो आशा को जान नहीं गंवानी पड़ती। पार्श्वनी और तहसील में अवैध शराब विक्रेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कार्रवाई नहीं होने से वे बेखौफ हो गए हैं। उनकी दबंगाई जनता के लिए परेशानी का कारण बन गई है। 4 नवंबर ला सकाळी 9 वाजेच्या सुमारास अश्विनी फुलबांदे हिच्या लक्षात आलं की बाजूला जे बांधकाम चालू आहे डायरे बंधूंचं आणि त्या बांधकामामध्ये यांचा सज्जा तोडण्याचं तिच्या लक्षात आल्याने त्यांच्यामध्ये वाद झाले। त्या वादाचं पर्यवसन असं झालं की शिवीगाळ आणि धक्काबुक्कीमध्ये झालं। जे समोरचे गजानन डायरे आणि अशोक डायरे आहे ते यांनी फिर्यादी अश्विनी फुलबांदे हिच्या आईस धक्काबुक्की केली आणि त्यामध्ये ती पडल्यामुळे तिला मार लागला। तशी आमच्याकडे गुन्ह्याची नोंद आहे 4 तारखेची, परंतु ती प्रकृती बिघडल्याने सदर महिलेस आशाबाई हीच मेडिकल हॉस्पिटल नागपूर या ठिकाणी उपचारार्थ दाखल केले होते। उपचारादरम्यान काल रात्री 00:40 सुमारास ते मृत झालेले आहेत आणि सदर महिलेचा पोस्टमार्टम नंतर जे मृत्यूचं कारण निष्पन्न होईल त्यावरून आम्ही तसा गुन्हा दाखल केलेला आहे। BCN न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।